सुभान अल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम ख़वातीन और हज़रात, इंडी फूड की तरफ से आपका मेज़बान अहमद अवैस एक बार फिर से आपकी खिदमत में हाजिर है। आज जो रेसिपी मैं आप सबके साथ शेयर करने जा रहा हूँ वो है चिकन अचार गोश्त। बहुत ही आसान और मज़ेदार रेसिपी है ये, तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। चिकन अचार गोश्त के लिए जो मैंने चिकन लिया है ये तकरीबन 1300 किलोग्राम है। जनाब अचार गोश्त में बहुत सारे मसाला जात यूज़ होते हैं, तो आपने इनकी क्वांटिटी अपने हिसाब से रखनी है। बहुत ज़्यादा क्वांटिटी इसकी मत रखिएगा, नहीं तो इसका फ्लेवर बहुत ही स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। अचार गोश्त में जो नॉर्मल मसाला जात से हट के जो मसाले यूज़ होते हैं उसमें कलवंजी, मेथरे और सौंफ है। अल्हम्दुलिल्लाह इसमें जो मसाला जात जो खुशबू आ रही है ना, सुभान अल्लाह। इसमें मैंने पानी ऐड नहीं किया, ये चिकन ने ही पानी छोड़ा है और अभी इसमें मैंने दही ऐड करना है, तो इसमें पानी ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आपको थोड़ी ग्रेवी पसंद है, आप थोड़ा शोरबा टाइप खाना चाहते हैं, तो आप इसमें पानी ऐड कर सकते हैं। अब इस स्टेज पे इसको मैं कवर करके 2 से 3 मिनट के लिए कुक करूँगा। अब मैं इसमें 1 कप दही का ऐड करूँगा। हल्का सा इसमें मैं पानी डाल रहा हूँ। दही को अच्छे से मिक्स करने के बाद इसको कवर नहीं करना और वैसे ही 2 से 3 मिनट के लिए पकाना है और ये रेडी है।
अब एंड पे इसमें मैं गरम मसाला और ब्लैक पेपर ऐड करूंगा। जनाब गर्मा गर्म अचार गोश एकदम रेडी है, तो मुझसे सब्र नहीं हो रहा, मैं इसको फटाफट टेस्ट करता हूँ और बताता हूँ कि कैसा बना है। ओह बहुत जबरदस्त टेस्ट, यकीन कीजिए बहुत ज़बरदस्त बना है, जितनी भी तारीफ की जाए कम है। सुभान अल्लाह माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, हमारा ये अचार गोश्त बहुत मज़े का बना है। मैं आपको पूरे यकीन के साथ कह सकता हूँ कि अगर आपने किसी रेस्टोरेंट में अचार गोश्त खाया हुआ है और आप ये वाली रेसिपी ट्राई करके खाएँ और आप वो वाला अचार गोश्त भूल जाएंगे, इतने मज़े का ये बना है। मुझे पूरी उम्मीद है आपको ये रेसिपी बहुत पसंद आई होगी। अगर रेसिपी पसंद आई है तो फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करें, लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। जिन मेरे नए दोस्तों ने मेरे चैनल को अभी ज्वाइन किया उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल इंग्लिश फूड को सब्सक्राइब करें। बहुत जल्द मिलते हैं एक और मज़ेदार रेसिपी के साथ। इसी के साथ अहमद अवैस को इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।